एक और दिक्कत राजस्थानी ड्राइवर है, ऑल इंडिया में हर जगह कान डालता है, है। हाँ जहाँ भी जाएगा। अगर वो सही बात हमको एक है कि हमको सस्पेंड कोई नहीं कर सकता, हाँ, हम परेशान अपनी मर्जी के मालिक है, जहाँ जाएगा। अलग सेब की खेती होती है हाँ। तो थोड़ा सा खेती के बारे में बताइए ना, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना आउटपुट निकलता है। 20-30 लाख भी आता है उनको साल अच्छा का। साल का। लेकिन ऐसे ड्राइवर सुखी नहीं रहते कभी, सही बात नहीं, वो कभी जिंदगी में आनर बन सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। एक और बड़ा ही खूबसूरत कश्मीरी ट्रक आप लोगों के सामने पेश है, जो कि है 12 चक्का, टायर थोड़ा पंचर हो रहा है। अब इसके बारे में बता दूँ, BS6 Phase 2 है इसकी। पहले भी आपकी डिमांड आई थी मेरे पास इसकी, अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, 35-25 35-25 ये टक्का मॉडल है। सबसे अच्छी बात ये है, 12 चक्का होने के बाद भी इसमें इंजन 22 चक्के वाले जैसा इंजन आ जाता है, वही ट्रेलर वाला इंजन से जो सब में आता है। Phase 2 है तो 6.7 लीटर का क्यूमिंस का ISB इंजन आता है, 6702 cc। Phase 2 है इसलिए 6702 cc हो जाता, खाली BS6 हो जाता तो इसमें 10 cc और कम हो जाता। 6 सिलेंडर इंजन आता है, लिखा हुआ है यहाँ पे 25, तो आप देखेंगे 250 HP की इस पर पावर आ जाती है, 950 Nm का टॉर्क आ जाता है। 22 फिट में भी आता है, 24 फिट में भी इसकी बॉडी आती है, 28 फिट में भी आती है और 32 फिट में भी आती है। 365 लीटर का इसमें डीजल टैंक मिल जाता है आपको, HDPE डीजल टैंक, हाइपर डेंसिटी पॉलीथाइलिन डीजल टैंक, वही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक जो है कि यूज़ होता है, बस वही है वाले चोचले हैं बस कहने वाले। लेकिन जब आप इसको लेने जाते हैं तो ये सिर्फ मतलब फेस कवर और चीचिस में ही मिलता है, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी दिखने में आया है कि बड़ा खूबसूरत सा है, आप दिखने में प्रोफाइल एंजॉय करिए। आप इसकी देखिए, ये देखिए ऊपर से देखिए आप कितना खूबसूरत है दिखने में, नीचे से देखिए कितना खूबसूरत है दिखने में। और तो कश्मीरी लोग तो फिर बनाते ही हैं, रेंज रोवर हमेशा लिखा के रखते हैं यहाँ पे, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कितनी अच्छी चीज़ दिखी है यहाँ पे, कभी हार मत मानिए, जो बड़ी चीज़ें रहती हैं, अच्छी चीज़ें रहती हैं, वो वक्त लेती हैं। जैसे आपको भाई भी धीरे धीरे तरक्की पा ही लेगा एक ना एक दिन, कोई टेंशन नहीं है, हर हाल में खुश रहना। इधर से देखिए कितना खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप प्रोफाइल इसकी, इंजॉय करते हुए चलिए। और ड्रोन वाले व्यू भी आपको मिल ही रहे हैं, मिलने ही वाले हैं, देखिए कितनी खूबसूरत है। बस ये वाला टायर जो है भाई बता रहे थे कि फटफटा गया था किसी वजह से, लिफ्टिंग वाले टायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी की खूबसूरती आप इंजॉय करते हुए चलिए। व्हील कवर बहुत प्यारे लगे हुए हैं, थोड़ी सा बारिश का टाइम है तो कहीं से आ रही होगी तो हल्की फुल्की गंदी है, लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो देखिए ग्रीन कलर से पेंट किया गया है, ऊपर से त्रिपाल वगैरह भी लगा हुआ, त्रिपाल भी अच्छी क्वालिटी का भाई ने यूज़ किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है, टिंग निंग कमाने का सेटअप देख सकते हैं। बलून्स यहाँ से फिर से एक बार देख सकते हैं कितने अच्छे से भाई ने ये कवर करके रखा है। अभी हम हैं भाई के ट्रक में अंदर और देखिए कितना खूबसूरत है। स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल सिग्ना का जो कंपनी केबिन आता है, ये इसी के साथ आया था, बिल्कुल सर इसी के साथ आया था। MID आप देख सकते हैं यहाँ पे, लाइट मीडियम हैवी बटन्स आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन वाले बटन दे रखे, इंजन कंट्रोलर भी दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे 1000 स्विच वगैरह, हेल्प के बटन, ये हॉर्न लगा रखा होगा आपने, हॉर्न आपने अलग से लगा के रखा है। और हमेशा कश्मीरी जो स्टाइल की चीज़ बनती है वो यहाँ से ऐसा पैक ही रहता है, बहुत खूबसूरत है। प्रोफाइल एंजॉय करिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मिरर यहाँ लगा रखा है भाई ने, एक मिरर वहाँ है, एक मिरर वहाँ है और एक मिरर वहाँ बीच में है। अब लास्ट एरिया की तरफ देखते हुए चलेंगे, आप देखिए इधर से दिखाता हूँ पहले, खाली डैशबोर्ड कितना खूबसूरत है, ये चार्जिंग वार्जिंग लगा के रखा है, एंड्रॉयड स्क्रीन आपने लगा के रखी है ना। इधर देखेंगे वो देखिए वहाँ तक पूरा इस तरीके की प्रोफाइल खूबसूरत बना के रख रखी है। अच्छा ये स्क्रीन चालू हो चुकी है यहाँ पे, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त भाई ने स्क्रीन लगा के रखी है। म्यूज़िक सिस्टम चेक कर लेते हैं पहले यहीं के यहीं अभी अपन। अच्छा ये कितने का लगवाया होगा सिर्फ स्क्रीन? स्क्रीन ये 7000 का लगता है, 7000 का सिर्फ स्क्रीन लगवाई है इसमें, स्पीकर वगैरह सब आ गए इसमें, सब स्पीकर ये लगा है और एक स्पीकर यहाँ लगा है, पीछे से भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये चालू हो गया है। रिवर्स कैमरा भी इसमें लगा हुआ है, और जो कि मैं हमेशा ट्रक ड्राइवर को सबको बोलता हूँ कि होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी में पीछे नहीं दिखता भले कितना एक्सपीरियंस इंसान हो चलाने वाला। वो देखो वो बैक कैमरा आया है इसमें, बैक कैमरा जो पीछे गाड़ी खड़ी है वो दिख रही है। हाँ। मतलब इसमें चलना होता, गाड़ी में चलना होता कहीं चोर का खतरा है, आप पीछे बैक कैमरा चालू करो। हाँ। ड्राइवर को खुद ब खुद दिखाई देगा कि मेरे पीछे कोई आदमी चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, या मेरी गाड़ी के ऊपर कोई चोर चढ़ रहा है, अपन ऑन करके उसको देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑन करके देख सकते हैं इसको, ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत मदद करती है। जब गाड़ी में गाड़ी चलती है तो यहाँ मतलब MP में, महाराष्ट्र में बहुत जगह ऐसी गाड़ी है जहाँ के पीछे चढ़ के त्रिपाल काट देती है, मार उतार देती है, तो आप इसको ऑन करके ऑन करके रखो इसको, फिर सवाल ही नहीं होता है, वो पीछे जब भी आएगा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ड्राइवर, या ब्रेक लगा देगा ठोकेगा उसको, नहीं तो नीचे गाड़ी खड़ा करके उसको पीछे से भगा सकते। सही बात है, सही बात। Thank you.
आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर भाई हमारे साथ है और राशिद भाई, राशिद अली। राशिद भाई जो पहले ट्रक चला रहे हैं वो इतना खूबसूरत था, उसकी कुछ फोटोज आप लोग अभी देख लीजिए। इतना खूबसूरत ट्रक है ये ट्रक छोड़ के आप अभी ये वाला ट्रक चला रहे हैं, और ये आपका ट्रक है बशीर भाई? जी हां भैया। कितना पुराना ट्रक है ये? ये 2023 मॉडल है, एक साल पुराना है। एक साल पुराना, कितने का लिया था आपने ये? ये गाड़ी मुझे पूरा तैयार रोड पे आ गया पूरा 50,20,000 में। 50,20,000 में ऑन रोड हो गया गाड़ी। बहुत महंगा पड़ा है, फेज 2 है ना गाड़ी। कितना डाउन पेमेंट किया था आपने? डाउन पेमेंट मैंने 25 लाख किया इसका। 25 लाख? 25 लाख डाउन पेमेंट किया, 25 लाख इस पे केस बना। महीने का किस्त कितना? महीने का किस्त है मुझे 50,000। 50,000 रुपए। ये आपने कश्मीर से लिया है? कश्मीर से लिया। कितने टाइम में दे दिया था जब आप लेने गए थे? कोई एक महीना लग गया। एक महीने तक किस्त तो भरना नहीं पड़ा होगा आपको? नहीं, एक महीने तक किस्त नहीं भरना, जब तक गाड़ी तैयार कम्प्लीट नहीं होगा तब तक किस्त नहीं भरना। कश्मीर में एक चीज बशीर भाई मैंने देखा, ज्यादातर मैं देखता हूँ सिर्फ टाटा ही चलाते ज्यादातर। टाटा में ऐसा है, टाटा जो है वो जैसे कि कोई सोने की दुकान पे जाओ सोने का पौंड खरीदने के लिए। हाँ, टाटा का गाड़ी सोना है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो भाई लीलैंड भी तो चला रहे हैं? लीलैंड में ऐसा है कि अगर अभी आदमी को मजबूरी पड़े लीलैंड गाड़ी बेचना पड़ेगा तो उसमें जल्दी रीसेल अच्छा नहीं है लीलैंड गाड़ी। नहीं नहीं, उसका अच्छा नहीं कि लीलैंड का माइलेज अच्छा, मेंटेनेंस कम है और घाट पे भी अच्छी रहती है ना वो। वो लीलैंड अभी हिल में चढ़ने का बहुत कमजोर है। अच्छा, बिल्कुल टाटा से कमजोर है। टाटा से कमजोर है, लेकिन प्लेन में चलने को लीलैंड का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। हाँ, मार्केटिंग उसका कुछ भी नहीं। समझो 2024 है, 2024 में हम लीलैंड की गाड़ी खरीदेंगे, अगर उसको 2025 में हम बेचना चाहेंगे पहले तो उसका खरीदारी नहीं आता, लेने वाला नहीं है, उसका मार्केटिंग बहुत कम है। अच्छा, टाटा का मार्केट जैसे जो सोने की दुकान पे सोना खरीदना है, टाटा का मार्केट ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, तो ये 2023 BS6 फेज 2 गाड़ी है। फेज 2 गाड़ी। ये बॉडी बनवाने में कितना पैसा लगा सिर्फ? बॉडी बनवाने में हमें लगा है इसका 6.5 लाख रुपए। पंजाब सरहन से बनवाई होगी आप? पंजाब सरहन से बनाया है। अच्छा, आप लोग वहीं की बॉडी बनवाते, कहीं और पे क्यों नहीं? नहीं, कश्मीरी ज्यादा सब वहीं की सरहन की बॉडी। कुछ खास वजह सिर्फ वहीं से बनवाने की? वहाँ की कारीगरी बढ़िया है। कारीगरी बढ़िया है, बढ़िया है, फिनिशिंग तगड़ी आती है, फिनिशिंग तगड़ी आती है उसका, और लुक तो बहुत प्यारा देते ही हैं वो लोग। बात तो है, महंगाई भी है वहाँ पे लेकिन उनकी कारीगरी भी बढ़िया है, मजबूत रहती है गाड़ी, बजती नहीं है, बजती नहीं। कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो 1 लाख की टेपिंग करवा देते गाड़ी, 1 लाख की, 1 लाख रुपए की, और क्या टेपिंग, और क्या बात कर, म्यूजिक सिस्टम सेटिंग करवा देते हैं कम से कम 30-35-35 हज़ार। हाँ, तो वो तो शौक करते हैं कश्मीर के लोग तो इन चीजों में, होनी चाहिए शौक से। हाँ, मेंटेनेंस रखने के लिए। ऑल ओवर इंडिया में आपको कश्मीरी गाड़ी मिलेगी। हाँ, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिलेगी और डबल ड्राइवर मिलेगा। डबल ड्राइवर मिलेगा, डबल ड्राइवर मिलेगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारी गाड़ी नहीं जाती। अच्छा, और 15 दिन का ट्रिप होता है हमारा। हाँ, 12 दिन का बस, इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब दो ही ट्रिप मारते हैं आप लोग महीने? दो भी लगता है, 3 भी लगता है, जैसे रूट होगा, लंबाई में होगा। ज्यादातर जो है कि कश्मीर से आप सेब लेके आते हैं जो कि 2500-2300 किलोमीटर आपको भोपाल पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ से आप जाते हैं साउदा, जो भी चीज मिल जाती है लेके, महाराष्ट्र, मतलब गेहूँ वगैरह कुछ भी जो मिल जाता है, वहाँ से आप केला भरते हैं? केला भरते हैं, संतरे भरते हैं। अच्छा, साउदा से संतरा नहीं मिलता होगा ना? संतरे यहाँ से मिलेगा, केला भी, संतरा से मिलेगा। परतवाड़ा अमरावती, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में परतवाड़ा से वो भी भरते हैं संतरा। संतरा तो आपको केले का भाड़ा ज्यादा पड़ता है या संतरे का पड़ता है? सेम ही देखो, सेम ही होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। केले का जो है 9-10 हज़ार रुपए टन पड़ जाता है, वो 10 टन का कभी 60,000 भी लगाते हैं, कभी 55 भी लगाते हैं, कभी 70 भी लगाते हैं। तो ऐसा संतरे का भी यही पड़ जाता है? संतरे का भी यही पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप दो ही ट्रिप मारते हैं। सेब जो आप लेके आते हैं तो डायरेक्ट व्यापारी से लाते हैं या वो भी ट्रांसपोर्टर से ही लाते हैं? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट से लगते हैं। उसमें ऐसा है, अभी हम बिना ट्रांसपोर्ट के जाएगा व्यापारी के पास। हाँ। नंबर एक वो बड़ा काम लगाएगा। अच्छा। नंबर दो कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। अच्छा, अगर मान लो अभी हमने यहाँ पे हमारे मैं यहाँ माल लेकर आ गया है। हाँ। अभी मान लो अगर हमारा पेटी यहाँ काम हो जाता है। हाँ। ट्रांसपोर्ट से हम कहेगा भैया आपने गाड़ी हमारी लगाई, व्यापारी हमारा बाड़ा क्यों काम करता है, हमारा पेटी क्यों काम हो गया? अच्छा, उसकी गारंटी पूरी होती है ट्रांसपोर्टर का। अच्छा, हमारे तरफ से ट्रांसपोर्टर का, उसकी व्यापारी की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर का ही है, वो दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट का होता है। अच्छा, मतलब हमारे को ट्रांसपोर्टर माल देगा, व्यापारी तो ट्रांसपोर्ट का भी पकड़ेगा अगर ड्राइवर गलत करेगा। सही बात है। अगर मतलब हमसे गलत होगा तो हम भी ट्रांसपोर्टर को भी पकड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ये ट्रांसपोर्टर दोनों साइड से गारंटर होता है। गाड़ी की अगर अपन बात करें तो कितना एवरेज दे रही गाड़ी अभी? गाड़ी मान लो 3.5 प्लस हो रही है।
3.5 प्लस गाड़ी दे रही है लोड में। 380 लीटर की टैंकी है हमारी गाड़ी की, 360 लीटर की मान लो, 1200-1300 किलोमीटर निकालता है एक टैंकी। अच्छा तो मतलब 3-3.5 का माइलेज रोड पे भी आ जाता है, रोड पे भी आ जाता है। पूरा कितना पासिंग है गाड़ी आपकी? पूरा है 36 36600 है। माल माल की पासिंग कितनी है? 24 टन। खाली गाड़ी का वजन कितना है? 12300-1400 होगा। 12300-1400 होगा। और आप लोग अंडर लोड ही चलते हैं, ओवर लोड आप लोग चलते हैं? नहीं, हम अंडर लोड चलते हैं। अंडर लोड से अंडर लोड, अगर उधर से सेफ हम अगर हाइट भी आएगी हमारी, चार पेटी होगी या पांच होगी या तीन होगी, ज्यादा से ज्यादा 12 चक्की गाड़ी में 20-21 टन माल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नहीं है तो ये गाड़ी जो है, मतलब आपने 12 चक्का लिया आपने, ज्यादातर अभी 10 चक्का पे चलते हैं वहाँ पे लोग। हाँ, सोच साइड में जो है ना, ये ज्यादा कच्चे वाली लाइन है ना। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में देखो, उधर केरला शेरला हर साइड में देखो, ये साइड है ही कच्चे वाली। हाँ, तरबूज इधर से निकलता, अंगूर आम वगैरह जो मिर्ची नींबू हर अदरक हर माल निकलता है इस साइड से, सोच साइड से। अब नॉर्थ साइड चले जाओगे उधर क्या है, अगरतला चले जाओगे, गुवाहाटी चले जाओगे, उधर यहाँ से अगर कुछ ले जाओगे प्याज व्याज, वहाँ से रबड़ आएगी टायर, इसके टायर में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यूपी बिहार चला जाएगी, कोल आएगा, वो धान आता है अगर सीजन में। कोलकाता चले जाओ, वहाँ से पाइप शाइप चादर शादर या कुछ ऐसी सामान होता है। हाँ, बस यही लोड करते। अच्छा, मतलब पक्के माल पे भी चल लेते हैं? सूखा पक्का, जिस लाइन पे जो जैसी लाइन मिलेगी वैसा माल भी मिलेगा। परमानेंट एक चीज पे डिपेंड नहीं है? परमानेंट एक पे नहीं डिपेंड। अच्छा सर, आप जैसे कितना साल हो गया आपको इस लाइन में? मेरे को इस लाइन में हो गया पूरा 40 साल। 40 साल, मतलब उम्र निकाल दी आपने 40 साल। शुरू से आप मोटर मालिक हैं? अभी बने? नहीं नहीं, बाद में बने। कब बने थे आप मोटर मालिक? मोटर मालिक में बना है 2012 में। 2012 में मोटर, 2012 में पहले ट्रक कौन सा था आपका? पहले ट्रक मेरे पास इसी यही 10 टेरी एक था, उसका भी सेम यही नंबर है जो इस गाड़ी में है। अच्छा, 51 इनके पास। अच्छा, बताता हूँ आपको, इनके 3 लड़के 4। हाँ, एक पुलिस में, तो एक टैंकर चलाता है। अच्छा, डीजल वाला, और दो है जो उनके पास अपनी अपनी 10 चक्का गाड़ी है। तो जो अंकल है, इन्होंने खुद का गाड़ी लिया 12 टेरी अपने लिए, ये वाली। हाँ, पर्सनली गाड़ी। क्या बात है, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हम तो ज्यादा ड्राइवर लाइन में ही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके लिए तो लाइन अच्छी है? हमारे लिए तो लाइन अच्छी है। जो मेहनत करेगा उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। अगर बंदा करेगा गंदे काम, नशे करेगा ड्राइवरी में, रास्ते में 1000 लोग किस्म के लोग भी मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, अगर गंदे काम बंदा करेगा तो फिर बर्बाद तो होना ही है। सही बात है। सीधा बात है, जहाँ का माल है बस निकलो, वहाँ पे रेस्ट करो, जहाँ नींद आ जाएगी थकोगे 1-2 घंटा, बाकी कंटिन्यू रेडी। कहाँ से आए आप यहाँ पे? हम आए कश्मीर से। कश्मीर से सेब लेके आए? खाली किया हमने, बड़ा बड़ा पकड़ा। अब ट्रांसपोर्ट वाला आया था हमारे पास, यहीं कहाँ जाएंगे आप? तो हमने जाना है खामगांव महाराष्ट्र, यहाँ से गेहूँ आटा लेके वहाँ खाली करेंगे, वहाँ से आएंगे परतवाड़ा में। फिर परतवाड़ा में अगर निकला माल तो ठीक है, फिर एक दो दिन रुकना भी पड़ेगा। संतरा लेके? संतरा एक आध दिन रुकेंगे, फिर वहाँ से लोड करेंगे डायरेक्ट से घर का ही। अच्छा, सीधा घर ही। ये जो आपकी पूरी ट्रिप रहेगी, आप यहाँ आए फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो ये कितने किलोमीटर की ट्रिप हो जाएगी पूरी? मान लो 4,045। 4,045 किलोमीटर की पूरी ट्रिप? कितने दिन में पूरी ट्रिप पूरी कर देंगे आप? हो जाएगी, अगर माल जल्दी मिल जाएगा तो 10 दिन के अंदर भी हो जाएगी। अंदाजन कितने की बनेगी ये पूरी ट्रिप आपकी? 270 तक तो बन जाएगी। 270 तक बनती है, तो इसमें कितना खर्चा लगता होगा आपका? 210 तक आ जाएगा। 210, इतना ज्यादा खर्चा लग जाता है? तो आता ही है, फिर बच जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ज्यादा नहीं तो 50-60 हज़ार रुपए बचेगा 10 दिन। अच्छा, खर्चा बहुत है इसमें? खर्चा ज्यादा है, आजकल डीजल महंगाई है, गाड़ी यूरिया वाली है, रास्ते में खर्चा है, बॉर्डर खर्चा है, खाना भी है। अभी आप कितने टाइम से इस लाइन में? मुझे हो गया 2018 से लेके 2018 से। आपको 6 साल हुआ है? अच्छा, मुझे तो आप जैसे उस्ताद, आप तो काफी पुराने हैं, तो एक ये बताइए, पहले ज्यादा अच्छी थी अभी ज्यादा अच्छी है? पहला अच्छा था। हुँ? पहले अच्छा था, अभी क्या बुराई आ गई? अभी इसमें बुराई है, इसमें नॉन ट्रांसपोर्टर ज्यादा हो गया। अच्छा, बैंक ने लोन बहुत दे दिया लोगों को। अच्छा, इसमें जिसको नॉलेज नहीं है काम का, वो भी इसमें उतरा है। ऐसे ऐसे ड्राइवर है देखो, अपने ही कश्मीर के ही है, छोटे छोटे लड़के। हाँ, जिनको नए नए ड्राइवरी करे, शौक से गाड़ी तो डाल दिया। हाँ, अब उनको भाड़े के नहीं पता है कुछ बचेगा, वो 10,000 काम भी होगा चले जाएंगे, फिर दूसरे को मार लगती है हमारे जैसे को। सही बात, जो सिंगल मालिक मोटर, सही बिल्कुल सही बोला, उसको तो मार लगेगी। ठीक है, अभी अगर रेट 1.40 है, दूसरा कोई आगे नहीं, मुझे 1.30 में जाना है तो जाना। और राजस्थानी ड्राइवर है, ऑल इंडिया में हर जगह काम डालता है, जहाँ भी जाएगा, अगर वो श्रीनगर वो जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं अगर गुजरात जाना है उसको, सूरत जाना या कहीं भी जाना। कश्मीरी ड्राइवर बोलेगा नहीं हम 80,000 में जाएंगे, वो राजस्थानी आएगा वो नहीं हम 50,000 में चले जाएंगे। तो
लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है ना कि आप जो सेब और इस चीज पे चलते हैं उस पर कोई दूसरा इंसान इतनी आसानी से। हमारा सेब का अब शुरू हो गया, क्या कौन सा महीना, 9 महीना ही है, 10वां 11वां 12वां, फिर जनवरी फरवरी तक चलेगा, मार्च अप्रैल 2 महीने, अप्रैल मई में फिर स्टोर का माल हो जाता है शुरू। अच्छा, कोल्ड स्टोर का सेब, फिर वो हर जगह जहाँ जाएगा दिल करेगा वहाँ जाओ। लेकिन देखिए आपकी एक बात बताऊँ, आप पुराने हैं इस लाइन में, सेट हैं, एक गारंटी है आपकी, जुड़े हुए हैं, तो आपका खानदानी बिजनेस चल सकता है, ये नए इंसान को थोड़ी दिक्कत आएगी। ये तो हमारा खानदानी बिजनेस हो गया ना। हाँ, खानदानी हो जैसे गया। अभी हम पुराने हैं, हमें मालूम है तेल क्या रेट है, टोल क्या पड़ेगा, हमें रेट क्या मिलना चाहिए, गाड़ी का कितना खर्चा आएगा, गाड़ी का कितना कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए, ये तो हम मतलब अपने जगह से हिसाब लगा लेते हैं। अब जो नया बना है उसको बोलेगा चलो हम आपको ये मतलब महाराष्ट्र का देगा 70,000 किराया, वो 70,000 पे चलेगा, वो ये नहीं लगाएगा हिसाब मेरे को बचेगा कुछ या नहीं बचेगा। सही बात, उसकी उस कारण हम लोग मार खाते हैं। कभी कभार परेशानी भी आती है, कभी दुख भी देखना पड़ता है, कभी रात भी लगाना पड़ती है, कभी दो दो दिन सोते भी नहीं है। अगर बंदा बैठेगा, बैठ के पैसा आएगा तो वो तो आता नहीं। सही बात, बिना मेहनत का कहाँ से मिलेगा। अगर एक फौजी की मान लो, वो अगर छुट्टी आएगा वापस नहीं जाएगा नौकरी से, तो उसको निकालेंगे। हाँ, सही बात है। उसको तो कोई रखेगा नहीं। एक बिजनेसमैन है, अगर वो सुबह रोज दुकान नहीं खोलेगा, झाड़ू पोछा उस पर नहीं लगाएगा, उसका बिजनेस तो, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। कोई भी काम है अगर उसमें सक्सेस पानी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगा, उसमें तभी जाके इंसान सक्सेस। नहीं सर, इस ड्राइवर लाइन में ऐसे भी ड्राइवर है, कुछ ऐसे भी ड्राइवर है जिनका मालिक तनख्वाह देता है, उसका मन नहीं करता है गाड़ी को त्रिपाल डालने के लिए। अच्छा, ऐसे भी ड्राइवर है जो मतलब मेरे साथ ही ड्राइवर है। हाँ, ये लड़का ही है मेरा। हाँ, मुझे इतना यकीन है कि मैं अगर नहीं भी आऊंगा तो इसका ही अपनी ही गाड़ी है। सही बात है, ये काम। अच्छा, ऐसे भी मेरे पास वो ड्राइवर आया था कोई, जो उसका ये गवारा नहीं होता कि मैं गाड़ी को त्रिपाल डाल दूँ। अच्छा, लेकिन ऐसे ड्राइवर सुखी नहीं रहते कभी। सही बात, नहीं वो कभी जिंदगी में आनर बन सकता है। हाँ, वो आप तो देखिए, किसी की कायद करेंगे, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। आप खुद की मिसाल लगा लो, खुद व्लॉगिंग करते हो आप, या यूट्यूब चैनल में, या फेसबुक पेज है, या इंस्टाग्राम पे कुछ भी हो, अगर आप घर में बैठे बैठे हम तो थोड़ी आपको मिलेंगे, आप जाओगे उधर घूमोगे इधर घूमे, ऐसे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। जो मेहनत करेगा वही तो कमाएगा। दो तीन ब्लॉगर है हमारे, वो जो सेटी एक्सप्रेस है वो है कश्मीर का। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि ईमानदारी से काम करना पड़ेगा तो इंसान सक्सेस होता है। बिल्कुल, जो ईमानदारी से काम करेगा, मैं ये कहना चाहूंगा जो मेहनत करेगा उसको वो कुछ पाएगा भी। सही बात, जो मेहनत नहीं करेगा वो कुछ पाएगा। एक ट्रिप लगाएगा 10 दिन घर बैठेगा, फिर थोड़ी गाड़ी चलेगी, फिर क्या चलेगा। चलो आज अगर हम जाएंगे खाली के, एक दिन घर बैठेंगे, 2 दिन रुके, तीसरे दिन लोड के लिए निकलना है। हाँ, 2 दिन घर के बहुत होते हैं ना, घर वाले ठीक है, सब ठीक है, तो चलो निकलो। सही बात है, बात खत्म। और लोग जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी वाली लाइन है ये, तो देखिए परेशानी तो हर लाइन में है, परेशानी हर लाइन में। देखो पैसा हर साइड से रुलाता है इंसान को, एक सिपाही फौजी है या कोई मास्टर है, कोई जज है, कोई भी मुलाजमत है, वो ड्यूटी पे जाएगा, अपनी ड्यूटी निभाएगा, अगर नहीं निभाएगा, गवर्नमेंट का तो ज्यादा ही टफ है। क्यों, अगर वो ड्यूटी पे नहीं है सस्पेंड भी हो सकता है। हमको एक है कि हमको सस्पेंड कोई नहीं कर सकता। हम अपनी मर्जी के मालिक है, जहाँ जाएगा चलेंगे, जहाँ जाएगा खाएंगे, जहाँ जाएगा पिएंगे, जहाँ जाएगा चलेंगे रुकेंगे, जो भी है अपनी मर्जी के। लेकिन मेहनत बहुत है इसमें। हाँ, मेहनत बहुत है इसमें, मेहनत भी बहुत है, ऐसा है तो मेहनत बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, बहुत अच्छा लगा उस्ताद। और आप पूरे खानदानी बिजनेसमैन है, सबके लिए बना दिया बिजनेस। बिल्कुल, सबके लिए बना दिया, लेकिन जब मैं खुद ईमानदार था, खुद ईमानदारी से काम कर रहा, जब मेहनत कर रहा हूँ, तभी तो बना है ना। सही बात है, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो कैसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आजकल मेरे बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही जैसे मैं मेहनत करता हूँ, वो भी ऐसे मेहनत करते हैं। जी जी, यहाँ पे जो खेती होती है उससे अलग सेब की खेती होती है, तो थोड़ा सा खेती के बारे में बताइए ना, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना आउटपुट निकलता है। मेरे पास अभी 500 पेड़ होगा। हाँ, उसमें खर्चा कम से कम 1-1.5 लाख रुपया आता, खाद निकाल कोई चीज, फिर लेबर वगैरह सब कुछ। जी जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, अगर हमारे पास 500 पेड़ है तो 4-4.5 लाख तो आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक साल में मतलब अगर उसमें समझो 500 पेटी 600 पेटी बैठ गया। अच्छा, अगर एक पेटी 1,000 में बिकेगा, अच्छा, तो तब बनेगा ये बात। नहीं, बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब खर्चा निकाल के, अगर जिसके पास सही बगीचा है, सही पेड़ है, तो 20-30 भी आता है उनको साल। अच्छा, साल का मतलब ज्यादा पेड़ होते हैं। व्यापारी हैं जो करोड़ रुपए कमाते हैं, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़। सही बात, कश्मीर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बातचीत हो गई अपनी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो भाई लोगों के साथ।
कैसा मज़ा आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कश्मीरी ट्रक दिखाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, हालांकि मुझे तो सब ट्रक दिखाने में मज़ा आता है, हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि बड़ा मज़ा आता, क्योंकि आजकल जो है ये ड्रोन वाले शॉट मिल जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों को थोड़ा सा देखने में इंटरेस्ट आता होगा, मज़ा आता होगा, इसलिए मतलब जितना अच्छा वीडियो बनता है ना मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों को मज़ा आए, इन्फॉर्मेशन भी मिले और साथ में एंजॉयमेंट भी मिले। तो गाइस हमारा ये था जो गाइस हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।